यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में रूस को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। इसकी वजह से रूस के राष्ट्रपति पुतिन बेहद नाराज हैं और अपनी परमाणु टीम को चौकन्ना कर दिया है। इस बीच ज़ेलेंस्की ने पुतिन के खिलाफ ऐसा जाल बुनना शुरू कर दिया है कि अगर पुतिन उसमें फंसे तो उन्हें 10 गुना लगान देना पड़ सकता है। यूक्रेन में पल पल हर हमले के साथ मोर्चे तबाह हो रहे हैं, नए फ्रंट तैयार हो रहे हैं। बहुत धमाके हुए, कोने कोने पर बारूदी सुरंगें फटी। टैंक जलने लगे, बहुत हमले हुए, ऐसे अटैक कि सिर छुपाने की जगह नहीं बची। रूस की बहुत सी फौज अपना बंकर छोड़कर भागी है ताकि किसी तरह ज़ेलेंस्की के गुस्से से बच सके। यूक्रेन में खेरसोन वाले मोर्चे पर पुतिन की हालत इतनी खराब हो चुकी है कि अब उन्हें 1-2 नहीं बल्कि 10 गुना लगान देना पड़ेगा। सवाल है कि क्या ये लगान देना पुतिन को मंजूर होगा। यूक्रेन में युद्ध के बीच अब रोज हजारों बम धमाके हो रहे हैं, जब पुतिन रोज मिसाइल से हमला कर रहे हैं। जब रूस की फौज अपनी पोजीशन संभाले हुए है, तब पुतिन से लगान वसूलने की बात क्यों हो रही है? तो इसका जवाब यूक्रेन के युद्ध में छुपा है। ज़ेलेंस्की की शर्त जानने से पहले देखिए कि G20 को संबोधित करते हुए ज़ेलेंस्की ने कैसे पुतिन और रूस को बेइज्जत किया। ज़ेलेंस्की ने G20 को G19 बताया, यानी ज़ेलेंस्की ने इस ग्रुप से रूस को बाहर कर दिया और बता दिया कि इस अंतर्राष्ट्रीय गुट में रूस के लिए कोई जगह नहीं है। G19 в Индонезии.